गुड इवनिंग टू ऑल वेरी गुड इवनिंग बच्चों कैसे हैं आप लोग हाउ यू होप यू आर वेल तो सभी बच्चे क्लास में आ जाएं और हम शुरू कर रहे हैं आज के सेशन को दैट इज बेस्ड ऑन दिस केवीएस वैकेंसीज हैव बीन आउट और इसमें क्या क्या, क्या सिलेबस है कौन कौन सी हमें मेन बातों का ध्यान रखना है क्या क्या, क्या क्वालिफिकेशन है एज लिमिट हमारी क्या है इन सबको ही डिस्कस करने वाले हैं सो so, प्रीति रूबी अंकिता रवीश राहुल वेलकम टू दिस क्लास वेलकम टू दिस सेशन आरूज ऑल right. <coughs> तो फर्स्ट थिंग तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आपका जो सेशन है इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ये केवीएस की 2018 के बाद में 2022 हम से चार साल की गैप के बाद हैं। तो और वे बच्चे जो ऑलरेडी एनरोल्ड है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं क्योंकि जबरदस्त बात यह है कि पीआरटी को अगर हम देखें सेम वही कंडीशन बन चुके जो आपकी डीएसएसबी में है एनवीएस में है यानी कि टीजीटी में भी और पीजीटी में भी पहले सिर्फ पीजीटी में था सब्जेक्ट लेकिन अब आपके टीजीटी में भी आ गया चेंजिंग इज देयर तो इस चेंज को हम कैसे कैसे लें तो ऑब्वियसली इट वुड बी पॉजिटिव चेंज ये पॉजिटिव चेंज है आपके लिए <coughs> हाँ बिल्कुल अर्चना हम टीजीटी पीजीटी और सारा ही इसको डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए बच्चों डिस्कशन करते हैं इसमें तो छोटी छोटी बातें मैक्सिमम जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं उनको मैं आपको क्लियर करने वाला हूं तो देखो सबसे पहले आ, हमने ये शीट ली है यहां पे। इस शीट पे ध्यान देते हैं देखो मैंने कैसे कैसे किया है इसको चेक किया है दिखाई दे रहा है सब बच्चों को बढ़िया से कैन यू सी दिस इज इट विजिबल टू ऑल यानी बच्चों अगर हम सबसे पहले देखते हैं यहां पे देखो क्या लिखा है पीआरटी के लिए सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय के पीआरटी और टीजीटी फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिनका सी टेट क्लियर हो है ना जो बच्चे अपियरिंग हैं वो नहीं भर सकते हैं इस बात को समझ लो तो अपियरिंग वाले नहीं भरेंगे ये इस नोटिफिकेशन में क्लियर हो गया है गाइडिंग बच्चों हाँ बिल्कुल राहुल बताएंगे आपको तो पहली बात है कि जिनका क्लियर है बस वो भर सकते केंद्रीय विद्यालय परीक्षा हेतु तो नया सिलेबस जारी कर दिया गया है ना अब देखो पीआरटी के लिए सिलेबस आपका क्या है पहली बात तो 180 मार्क्स हैं 180 मार्क्स में 10 मार्क्स की इंग्लिश 10 मार्क्स की हिंदी 10 मार्क्स करंट अफेयर एंड जीके फाइव मार्क्स रीजनिंग फाइव मार्क्स कंप्यूटर है ना और सिक्सटी मार्क्स की आपकी पेडोगोजी राइट बच्चों बाकी बच्चे एटी मार्क्स एटी मार्क्स आपका सब्जेक्ट कंसर्न है Subject concern का means यहाँ पे क्या है मैथ्स हिंदी इंग्लिश एनवायरमेंटल स्टडीज एग्जाम में आएगी तो ये आपका 180 का का के लिए बनता है। और बच्चों इसमें 60 marks का आपका इंटरव्यू जिसमें 30 मार्क्स एक तरह से डेमो यानी कि जो पढ़ाने वढ़ाने का काम है उसके लिए और 30 मार्क्स आपकी पर्सनैलिटी के तो 60 मार्क्स का वहां पे इंटरव्यू बनेगा तो ये पीआरटी की स्कीम है उनकी हाँ, शिप्रा मैंने बता दिया इंटरव्यू जो सिक्सटी मार्क्स का है उसमें मार्क्स में से 30 आपके डेमो के आप कैसे पढ़ाते हैं क्या पढ़ाएंगे किस तरह से पढ़ाएंगे be, uh, uh, you know, और ये आपका है बेसिकली पी का अब हम आते हैं पीजीटी पे पीजीटी को अगर आप देखोगे तो अगेन वन मार्क्स टेन मार्क्स इंग्लिश टेन मार्क्स हिंदी

जहां तक मुझे उम्मीद है इसमें सारे ही पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे हैं अब आप देखेंगे पीजीटी के लिए क्या है तो पीजीटी के लिए ध्यान से देखो 180 मार्क्स हैं, जिसमें अगेन वही टेन मार्क्स इंग्लिश टेन मार्क्स हिंदी करंट अफेयर्स जीके टेन मार्क्स फाइव रीजनिंग फाइव मार्क्स कंप्यूटर 40 मार्क्स पैटेगोजी और सब्जेक्ट कंसर्न वही आपका हंड्रेड और ये क्या है बच्चों आपके ऑनर्स पेपर के अनुसार ये क्वेश्चन पेपर स्नातक स्तर स्नातक स्तर का मीनस है कि ये ग्रेजुएट लेवल का होगा जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है वो आपको सब कुछ आएगा बाकी चीजें वही हैं लगभग अगर हम देखें तो चीजें वही हैं अब इसमें कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं जिनको आप देख सकते हैं यहां पर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं आपके लिए हम अगर इस पेज को देखें तो देखो ये पेज क्या कहता है ये पेज कहता है आपको देखो ये पेज कहता है आपको टीजीटी के लिए बीकॉम बीसीए बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो ऐसे बच्चे जिनका बीकॉम है बीसीए है बीटेक है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री उनके लिए फॉर्म नहीं है टीजीटी सोशल स्टडीज वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी और हिस्ट्री पेपर में से एक विषय के रूप में पढ़ा गया हो गेटिंग एवरी अगला देखो इसमें टीजीटी मैथ्स वही भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में मैथ के साथ इनमें से कोई दो सब्जेक्ट हो फिजिक्स हो केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या फिर स्टेटिस्टिक्स है ना इसको भी आप देख लेंगे फिर बच्चों आगे बात है टीजीटी साइंस वही भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में या तो बोटनी जोलॉजी या फिर केमिस्ट्री हो ठीक है बोटनी जोलॉजी और केमिस्ट्री ये तीनों होने चाहिए जिन अभ्यर्थी का कॉम्बिनेशन पेपर मैच नहीं कर रहा है वह अभ्यर्थी टीजीटी परीक्षा के लिए योग्य नहीं होंगे तो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर देखें अगर आपके पास पूरी फाइल है मैं आज जो कल का नोटिफिकेशन इस फाइल को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा आप उसको भी पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं मतलब हम यहां पे क्योंकि बात करें सिर्फ इंग्लिश की बाकी चीजों का भी आप देख सकते हैं राइट बच्चों अब आप देखो इस पेज को हम इस पेज को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं है ना देखो इस पेज में क्या कह रहा है वो इस पेज में उसका कहना है पीआरटी परीक्षा इंटरमीडिएट देखो पीआरटी के लिए क्या इंटरमीडिएट 50 परसेंट अंकों के साथ में डीएलएड आवश्यक है या बीएड होनी चाहिए साथ में सीटेड पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए टीजीडी परीक्षा के लिए 50 परसेंट मार्क्स के साथ में बीएड होनी चाहिए साथ में टेट क्वालिफाई टू क्वालिफाई होना चाहिए और पीजीटी के लिए स्नातकोत्तर में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में फिफ्टी परसेंट और उसके साथ में बीएड और सीटेट की इसमें मजेदार बात है कि पीजीटी में आपको सीटेट नहीं चाहिए है ना आप पीजीटी बिना सीटेट के भर सकते हैं लेकिन दोनों में चाहिए आपको उम्र सीमा आप उसमें भी देख सकते हो यहां भी देख सकते हैं पीआरटी के लिए थर्टी ईयर्स है ना टीजीटी परीक्षा के लिए थर्टी फाइव ईयर्स पीजी के लिए फोर्टी बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपना वहां पर बनाना होगा जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख लेंगे जैसे महिलाओं को टेन इयर्स का रिलैक्सेशन है उसको आप चेक कर लेंगे सीटेट क्वालिफाई का मतलब है कि जनरल ईडब्ल्यूएस महिला पुरुष 90 अंक बाकी कैटेगरी के अभ्यर्थी 82 अंक ये भी आपको ध्यान रखना है क्या सब बच्चों को ये बात समझ में आई हां यूपी का नहीं कोई बात नहीं है मतलब एग्जाम तो होते रहेंगे बच्चों को ये ध्यान में रखना है कि जो भी एग्जाम हमारे सामने आ रहे हैं और जो भी एग्जाम पास आता है उसके लिए हम तैयार होकर चलेंगे तैयार होंगे क्या लेकिन तैयारी आपको लगभग एक जैसी रखनी है भाई यूपी के लिए सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़नी है इसके लिए आपको पढ़नी होंगे। बस ये डिफरेंस बनाना है तो ये बच्चों देखा आपने टोटल अब जरा इसके बाद आते हैं अगली लाइन पे ठीक है जी ये देखो बच्चों यहां पे लिखा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी देखो मेन जो फोकस है वो एनसीईआरटी सीबीएसई बी एस पे सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स क्लास फर्स्ट टू फाइव है ना ये बेसिकली किसके लिए है ये आपके पीआरटी के लिए है हाउ एर द टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट

Question mark and commas. Inverted commas. Possessive adjectives, prepositions. इसका मतलब बच्चों ये बना के उसने बहुत बहुत लिख दिया है है कि भाई आपको इन particular topics पे mastery करनी है. Topics तो सारे बन सकते हैं लेकिन उसने स्पेशली क्यों लिखा पजेसिव एडजेक्टिव इसका मतलब वो क्या माय हिज हर योर आवर इनको पूछना चाह रहा है गेटिंग एवरीवन तो इनको आप ध्यान में रखेंगे अगले पेज पे आते हैं यहां नेक्स्ट पेज हमें कहता है ये देखिए अब बच्चों बात करते हैं हम टीजीटी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टीजीटी टीजीटी वाले पेपर में क्या क्या आपका आएगा कैरिंग ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी वन एट्टी आपका पेस रहना आपकी स्पीड कितनी रहनी है ये बच्चों रहनी है यहां पे कहता है आप देखो सिलेक्ट नेम नेचर तो ऑफ क्वेश्चन पहले वाले में वही हमने जो बात की इंग्लिश टेन मार्क्स टेन मार्क्स के लिए फिर इसी तरह से जनरल अवेयरनेस फाइव क्वेश्चन रीजनिंग कंप्यूटर फाइव क्वेश्चन इस तरह से परसपेक्टिव ये बच्चों कॉमन ही रहेगा लगभग अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स टेन क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग फिफ्टीन कंडसिव लर्निंग एनवायरमेंट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप है ना पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन ये फाइव मार्क्स मतलब उसने बहुत क्लियर किया है कि भाई कितने कितने मार्क्स का हम किस किस पर्टिकुलर सेगमेंट से यानी कि अगर वो हमारी पेडेगोजी है तो क्या क्या उसमें से पूछ रहा है बहुत अच्छे से बना दिया है अगला आप इसको देखो पार्ट फोर्थ में अब ये देखो कहता है स्पेसिफिक सिलेबस हंड्रेड मार्क्स प्रोफेशनल प्रोफिशियंसी टेस्ट आप इसको देखेंगे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो 60 marks included, ये तो मतलब आप समझो कि इंटरव्यू की बात होगी तो बच्चों फोकस करना है जो मेन फोकस है हमें ये देखना है कि जो हम पीछे केवीएस या यूपी के लिए एनवीएस के लिए पढ़ चुके हैं उसमें से हमें क्या डिफरेंस बनाना है इसको जरा देखो देखो लिखा है ये यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे हंड्रेड मार्क्स के लिए उसने बोला है कि एनसीआर है क्लास सिक्स टू टेन तक है ना ये देखो बच्चो होमवर्क हाउ द डो फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर टेरोज रिवॉर्ड एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला की बात हो रही है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल हु आई एम फेयर प्ले द्री है ना हाउस अ होम काइट क्वेरल ब्यूटी वेयर डू आई वेयर डू ऑल द टीचर्स गो द वंडरफुल वर्ड्स वोकेशन है ना ये सारे आपको करने हैं आगे बढ़ो पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री टेल ऑफ द टू बर्ड्स फ्रेंडली मंगूज शैफर्ड तानसेन द मंकी एंड द क्रोकोडाइल है ना याद है आपको मंकी एंड क्रोकोडाइल आप बहुत बेसिक में पढ़ते थे ये वही है डियर अंकल क्रोकोडाइल कम एंड टेक ए बाइट है ना अगर आपको याद हो तो वो बेसिक बिसी बेसिक चीजें हैं लेकिन सबसे बढ़िया बात है क्या आपने इसको यूपी के लिए आदर्श के लिए पढ़ा आई थिंक नो तो ये आपको बिल्कुल नए से करना पड़ेगा ये सारी मैक्सिमम चीजें नई है आपके लिए हाँ इतना है कि एनसीईआरटी से है वंडरफुल कोल्ड स्लीप पैक्ड विद द सन थ्री क्वेश्चन है ना कहां, कहां से आपके स्कल से रेबल शेप गोपाल एंड द हिल्स फिश द मेड एंड द बेलून शिवी क्वालिटी ट्री एक्सपर्ट डिटेक्टिव टॉकिंग मैन इनवेंशन ऑफ दिटाइज हाँ देखते हैं एलियन हैंड टाइनी ब्रिंगिंग अपी चांदनी द बियर स्टोरी टाइगर इन द हाउस एलियन हैंड और देखते हैं इसमें क्या है ये सब आप देख सकते हैं इसमें, सुनामी कुछ वर्क्स इसमें ऐसे हैं जैसे बच्चों हम आपसे बताएं ये आपने पढ़ा है ग्रास उपर एंड द क्रिकेट बोलो याद आ रहा है कि नहीं आपने इसमें से और क्या पढ़ा है द द द ऑन क्रिकेट क्रिकेट एंड आंट एंड आंट ज्योग्राफी लेसन देखो एक 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 वर्ड आपने आ, वर्क्स पढ़े हैं इसमें हम देखेंगे चिल्ड्रेन दैन दे द फ्लाइट जेबिस नहीं इसमें नहीं पढ़ा है इसको देखो साउंड एंड द म्यूजिक लिटिल गर्ल ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड स्नेक एंड द रोड द रोड नॉट टेकन है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन राइटर द लेक आइल द बेगर हाउस स्टोरी टेलर किंगडम ऑफ द हैप्पी प्रिंस और देखो इसमें कौन स्लम डिड माई प्रिट सी वर्ड्स वर्थ है ना द चाइल्ड बिल्कुल मिल जाएगा बच्चों आपको और देखिए आप मतलब मेरे कहने का है कि कुछ एक वर्क्स हैं जो आप वहां पे फाइंड आउट करते हैं बाकी ज्यादातर वर्क्स आपके लिए नए हैं लेकिन हाँ है बेसिक में अब इन बेसिक की भी उसने पूछा है डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको देखनी है उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेंगे हाँ किड्स का है है बिल्कुल ठीक तो बच्चे इनको देखेंगे आप आपको देखने हैं। अब आप यहां पे देख सकते हैं बाकी ग्रामर में आप देख सकते हैं इसमें देख सकते हैं यहां पर और कौन कौन से वर्क हैं द मिड नाइट विजिटेड टाइम ऑफ द सर्जरी है ना प्रपोजल टाइगर इन द जू एटसेट्रा ये सारे हैं आपके बाकी ग्रामर को देखोगे तो वही डिटरमाइनर्स हैं आपने ऑलरेडी भी पढ़ रखा है और फिर से आप इसको देखेंगे बाकी पंक्चुएशन पैरेंथेसिस थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं उसने इन्हें आपको देखना है मतलब मेरे कहने का ग्रामर तो वही लगभग कॉमन सी होगी बट लिटरेचर का पार्ट यानी कि सब्जेक्ट वाला पार्ट यहाँ पे उसने काफी कुछ बढ़ा दिया है आपके लिए डिफरेंट कर दिया है इन पे आपको फोकस करना है अब जरा बच्चों आते हैं पीजीटी के सिलेबस पे अगर हम पीजीटी के सिलेबस की बात करें ध्यान से देखो यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक रीडिंग अनसीन पैसेज फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव है ना ये वही है शुरुआती कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पे अनसीन पैसेज है अब आप देखेंगे क्रिएटिव राइटिंग देखो राइटिंग पे भी यहाँ पे राइटिंग स्किल्स पे भी आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे फॉर्मल कैसे लिखा जाएगा लेकिन ये सारा का सारा बेसिकली होगा आपका स्पीच इन वन ट्वेंटी राइटिंग स्पीच इन दन ट्वेंटी बेस्ड ऑन वर्बल मतलब ये सारे आप, आपके डिस्क्रिप्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे ग्रामर को देखो क्वेश्चंस ऑन गैप फीलिंग टेंसेज क्लॉजेस ट्रांसफॉर्मेशन पे बनेंगी अब इसको देखो आप ये आपका नीचे लिटरेचर पार्ट आता है पार्ट में जरा ध्यान से देखो लेडी फोटोग्राफ वी वर नॉट ऑफ्रे टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर डिस्कवरिंग है ना कंटिन्यूज द लेबर्नम टॉप द वॉइस ऑफ द रेन चाइल्ड सिल्क रोड फादर टू सन बाकी देखो यहां पे समर ऑफ द हॉर्स द एड्रेस मदर्स डे बर्थ द मेलन सिटी द लास्ट लेसन लोस्ट स्प्रिंग डीप वॉटर इसमें आप देखोगे कोई सा भी फर्क आपने नहीं किया है, है ना बस इसको किया है कमला दास का माई मदर एक्स सिक्स कीपिंग क्वाइट थिंग ऑफ ब्यूटी रोड साइड स्टैंड आंट जेनिफर टाइगर थर्ड लेवल द टाइगर किंग जर्नी टू द एंड ऑफ द द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट मेमरीज ऑफ द चाइल्डहुड कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर टू आर ह्यूमन देखो बच्चों को देख तो देख क्या क्या हमारा पीजीटी का सिलेबस है और क्या क्या हमारा पोर्ट्रेड हाँ खुसवंत सिंह खुशवंत सिंह होने का मतलब है कि सारे राइटर्स आपके जुड़ेंगे उनके वर्क जुड़ेंगे जितने भी मॉडर्न एक्सेट्रा है, है उन सबको ही आपको यहाँ पे टीजीटी के लिए देखना पड़ेगा तो बच्चों ये टोटल हमारा सिलेबस बन रहा है आप इसको देख सकते हैं ये पीजीटी इंग्लिश का है सिलेबस हंड्रेड मार्क्स के लिए ये सारा आपका टीजीटी का है है ना इसको हम देखें तो ये पूरी स्कीम है आपके पी वाले की टीजीटी में भी जो हम देखते हैं बाकी ये पी की है और ये बच्चों आपका पूरा मैंने यहां पे डिस्कस कर दिया है तो होप्स आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगी साथ में बाकी इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या क्या भरना है किस किस, -किस लिए एलिजिबल है क्या आप तीनों भर सकते हैं दो या फिर एक भर सकते हैं गेटिंग Get अब मुझे बताइए कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का इज देयर समवन टू आस्क समथिंग इज देयर एनी क्वेरी अमंग यू तो मुझे बताइए बच्चों क्या कोई क्वेरी है आपकी या फिर डन हो गया है काम नहीं अर्चना नहीं। सेवन मंथ्स नहीं लगेंगे अगर आपने तैयार कर रखा पीछे को तो इसे तैयार करने में आपको दो से तीन महीने मुश्किल से दो महीने मतलब तो जितना वो गैप देंगे आपके लिए आप उसमें आराम से कर सकते हैं ज्यादा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि चीजें बदल दी गई हैं सिलेबस चेंज हो गया है स्कीम चेंज हो गई है पैटर्न चेंज हो गया है तो सारा ही हमें देखना पड़ेगा कि भाई अगर हम देखें तो वो क्या क्या पूछ सकता है इनसे कौन कौन सी पोएट्री पूछ सकता है किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं लिटरेचर का मैं आप सब बच्चों को बता देता हूं कि करियर विल पे हमारा बैच अभी बस एक दो दिन में ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आने वाला है तो न्यू बैच एट करियर विल वुड बी वेरी सून तो होप सो कि आप जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें आ जाएं और फॉर श्योर सक्सेस देर विल बी डिस्कशन बिटवीन यू एंड मी और हम बढ़िया से उसको लेकर चलेंगे तो इन सारी चीजों को वहां पे लेंगे इसलिए मैं ये सब आपसे डिस्कस भी करना हूं तो वहां पे आपको इन चीजों को आप देख सकते हैं अच्छा ठीक है अर्चना कोई बात नहीं है हाँ यूपी का एग्जाम भी है बिल्कुल रूबी लेकिन यूपी का एग्जाम आपका फेब में है ये उसके बाद में ही होगा जहां तक हमें लग रहा है तो फॉर्म ऐसा ना करें कि ना भरें फॉर्म तो जरूर भरें अपॉर्चुनिटी है मौका है तो इसको छोड़े नहीं मेरा कहने का मीन्स ये है बाकी जब होगा तब देखा जाएगा पहला भी ले सकते हैं क्या पहला बोले तो प्रीति व्हाट वांट टू से पीजीटी में नहीं इंटरव्यू सब में है इंटरव्यू तीनों में है बेटा वही मार्क्स का है तीनों में इंटरव्यू है हमने आई थिंक बता दिया है यहां पे ये रहा पीजीटी वाला ये रहा आपका अगर आप इसको देखोगे तो पीजीटी में इंटरव्यू आपका है ये रहा इंटरव्यू सिक्सटी मार्क्स सिक्सटी मार्क्स का पीजीटी में भी इंटरव्यू आपको मिलेगा यस yes, बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं आप ट्राई कर सकते हैं यू मस्ट फिल द फॉर्म बिल्कुल भरिए इसको यूपी टीजीटी का लिटरेचर का बैच सर हाँ बेटा वो भी एक और बैच हम अभी कोशिश कर रहे हैं वेरी सोन लेकिन सबसे पहले केवीएस वाला आएगा सबसे पहले केवीएस बाकी उसके बाद देखेंगे क्योंकि बाकी बैच आ चुके हैं इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है हिंदी में नहीं नहीं मैं आपको बता दू होता है। वो की बात है कि कोई आपको इंग्लिश बोलने पे मजबूर करे लेकिन बच्चों केवीएस के जितने भी इंटरव्यू हैं पीछे जितने बच्चे सेलेक्टेड हैं उन सबसे बढ़िया तरह से बात हुई तो ये आराम से होता है मतलब कोई झंझट है ही नहीं ऐसा आपसे बिल्कुल क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे बाइलिंग आपको फोर्स नहीं किया जाएगा ये ध्यान रखना है आपको पीडीएफ हाँ, मिल जाएगा मैं इसको श्वेता इसी में डाल देता हूं आ, क्या है हमारा ये जो आपका टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा जी मीनू देखते हैं बेटा ये डीएसएसबी का जनरल बैच भी आएगा बिल्कुल आएगा हाँ एग्जाम तक वैलिड रहेगा बिल्कुल भाग्यलक्ष्मी हंड्रेड परसेंट रहेगा ठीक है बच्चों तो चलिए आज यहीं पे ओवर कर लेते हैं इस क्लास को ये हमारा कंप्लीट हो गया है वर्क और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच एवरी वन अ ग्रेट टाइम बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम तक वैलिड रहेगा भाग्यलक्ष्मी मैंने आपको बताया सीटेट के लिए भी कुछ कहिए बिंद सीटेट के लिए बेटा प्रैक्टिस लाएंगे आपकी बाकी तो बैच चल रहा है करियर वेल पे प्रैक्टिस हम आपको इसमें भी कराएंगे अभी एग्जाम आने दो बिल्कुल कम से कम आपको टेन ट्वेंटी थ्री आपके हैं और आप उस कैटेगरी में आते हैं तो बिल्कुल आप दे सकते हैं श्रीलेखा बस आपको अपनी कैटेगरी देखनी होगी ऑल राइट बच्चो थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट टाइम बाय बाय टू ऑल ठीक है बच्चों <coughs>